ने बिस्तान थाने में तोड़फोड़ कर दी है। नाराज हैं ये सारे गांव वाले जो कि बड़ी तादाद में पहुंचे थाने के पास और घेराव कर लिया। पुलिस रिमांड के दौरान पिटाई से चोरी के आरोपी की मौत हो गई थी, तो इस आरोपी की मौत के बाद से ये नाराज हैं गांव वाले और जिसके बाद पुलिस थाने का घेराव किया है। और यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल आप देखें कि तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। खरगोन से पुलिस बल बुलाकर इन तमाम ग्रामीणों को खदेड़ा गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस थाना बिस्तान की, जहां पर ये तोड़फोड़ की गई है और यहां पर गांव वाले पहुंचे। ये तमाम गांव वाले बेहद ही नाराज थे और इन्होंने यहां पर पहुंचकर थाने का घेराव किया और तोड़फोड़ मचाई। आपको बता दें ये तमाम जो गांव वाले हैं ये नाराज हैं इस बात को लेकर कि चोरी के दौरान एक आरोपी को हिरासत में लिया था और पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये गांव वाले नाराज हो गए और थाने का घेराव कर लिया और उसके बाद यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले जो हैं जख्मी भी हुए हैं और यहां पर ये पुलिस वाले डरे सहमे भी दिखाई दिए गांव वालों के आगे। समझाने की भी कोशिश की गई लेकिन पत्थर मारे गए हैं, पुलिस थाने पर तोड़फोड़ की गई है। ये तमाम जो नाराज हैं गांव वाले। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीद शेख जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। फरीद, क्या है ये पूरा मामला और जो ये शख्स मरा है ये किस आरोप में अंदर गया था? जी सर, बताऊं, खरगोन जिला से हम बात कर रहे हैं तो करीब 18 किलोमीटर दूर पिस्टान थाना क्षेत्र है। यहाँ पे 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें करीब 12 चोर जो आरोपी के रूप में पकड़े गए थे पुलिस के द्वारा, और उसमें सीधे से आरोप थे कि ये जो ग्रामीण जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये गाड़ी रोकते और राजनीति करते हैं, लूट की घटना करते हैं, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन हम देखें उसके बाद के जो हालात बने, पुलिस ने न्यायालय में उन्हें पेश किया, वो 2 दिन के रिमांड ली थी। रिमांड के दौरान संभवतः ये कहा जा सकता है कि उनके साथ काफी हद तक मारपीट हुई और उसी का परिणाम रहा कि कल शाम को जब इन आरोपियों को जेल में भेजा गया तो जेल में एक आरोपी की मौत हो गई, हालांकि अन्य 3 की भी हालत जो स्थिति बताई जा रही है कि वो भी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि संभवतः एक व्यक्ति की जो मौत हुई वो पुलिस की पिटाई के दौरान ही हुई, और यही जब बात ग्रामीणों को पता चला तो सुबह से ही ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर लिया। बड़ी संख्या में जब ग्रामीण थाने पर पहुंचे तो उन्होंने हालांकि काफी जो तोड़फोड़ भी की है, गाड़ियों को भी क्षति पहुंचाई है। गनीमत यह रही कि किसी तरह से कोई पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना सामने नहीं आ रही। हालांकि जो बात कर रहे हैं हम जो यहाँ के जो ATM है और जो पुलिस बल है वो मौके पे पहुंच गया और ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। वहीं हम हालात की बात करें तो जो पीएम रूम के यहाँ भी काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा हुआ है, पुलिस यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर हालांकि ग्रामीण नहीं पहुंचे लेकिन यहाँ के हालात को नियंत्रण किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी पीएम की रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद ही इस बात का खुलासा हो सकता है कि उसकी मौत क्यों हुई। हालांकि यहाँ एक बात तो साफ कर देने वाली की पुलिस की जो बर्बरता है वो साफ तौर पर दिखाई जा सकती है कि न्यायालय में पेश करने के बाद जिस तरह से कैदी की मौत जेल में होती है और उसकी मौत होने के बाद में इस तरह का हंगामा बचता है। एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि जब न्यायालय में पेश किया गया तो उसके दौरान कैदी का पीएम जो उसका मेडिकल होता है तो यहाँ सवाल डॉक्टर पे भी खड़ा होता है कि डॉक्टर ने मेडिकल में क्या देखा। या तो हम देखें कि कोरे कागजों पर साइन करवा ली जाती है और उनके मेडिकल के नाम पे केवल फोरे कवायद की जाती है और ये उसी का परिणाम है। अगर ये चीज साफ हो जाती मेडिकल के दौरान की उसकी तबियत खराब है तो शायद उसे भर्ती किया जा सकता था और उसकी जान बच सकती थी। तो यहाँ देखे तो कहने की डॉक्टर के साथ वो स्टाफ भी दोषी है जिन्होंने मेडिकल में अनदेखी की है और पुलिसकर्मी तो यहाँ पे साफ तौर पर दोषी नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पुलिस अधीक्षक या जो पुलिस के अधिकारी हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। हालांकि यहाँ पे अरुण यादव का भी एक ट्वीट सामने आया जिन्होंने इस पूरी घटना को लेकर बड़े गंभीर सवाल किए। हालांकि हम देखें तो कल की बात करें तो अधिकार यात्रा निकाली गई थी बड़वानी में और आज हम देखे थे कि आदिवासी के साथ में इस तरह से जहां घटनाक्रम घटा है तो कहने का यह राजनीतिक रूप भी ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है और साथ में जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस बल एक्स्ट्रा अगर बुलाया गया है और खरगोन से पुलिस बल बुलाया गया है, ऐसे में हालात अभी और बिगड़ सकते हैं अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरीके की आ जाती है कि पिटाई के दौरान जो है मौत हुई है उस शख्स की, तो ऐसे में क्या प्रशासन वहां पर अलर्ट है, क्या इस बात के लिए तैयार है कि ये जो गाँव वाले इतना नाराज नजर आ रहे हैं उसके लिए तैयारी है वहां पर?
जी बिस्टान थाने की हम बात करें, जब घेरा हुआ था तो उसमें आंसू गैस के गोले तक चलाने पड़े, तो समझा जा सकता है कि मामला काफी गंभीर है और लोगों में नाराजगी भी काफी है। जब बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंचे, तोड़फोड़ की, हालांकि वहां पे स्थानीय स्तर पर बात करें मीडिया कर्मी की, स्थानीय लोग जो वहां पर वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी रोका गया। हालांकि किसी तरह से उनके साथ बदतमीजी नहीं किया जा सकता, लेकिन कहने की उनको रोकने की भी कोशिश की गई। हालांकि ये जो खड़गोन की बात करें, यहाँ तो पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि कुछ ग्रामीण यहाँ पर कुछ विवाद की स्थिति कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल तैनात है और बात करें तो प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से जी लगातार कोशिश की जा रही है ग्रामीणों को समझाया जाए। फरीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब थाने में तोड़फोड़ मचाई गई है, और एक तरफ नाराज ग्रामीण हैं जो कि लगातार थाने के ऊपर घेराव करके उन्होंने हमला किया है। एक तरफ हम तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले जो हैं जख्मी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस कस्टडी के दौरान क्यों इस शख्स की मौत हुई है, और संभवतः जो है पिटाई के दौरान ही वो शख्स मरा है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तब सब चीज़ें खुलकर सामने आ जाएगी। फिलहाल दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खरगोन से, जहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुँचे और थाने का घेराव करके तोड़फोड़ मचाई।